खड़गे बोले जहरीला सांप, तो बेटा बोला नालायक। पीएम मोदी के लिए ऐसे अपशब्द क्यों कहे? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने ऐसा क्यों कहा? आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? मत ना ओरीगिवरी अंतल यारदे मग नालायक मने नडसलिकागल। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? मत ना ओरीगिवरी अंतल यारदे मग नालायक मने नडसलिकागल। ये जनाब है प्रियांक खड़के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बीजेपी तमतमा उठी है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रियांक खड़के ने कहा कि ऐसा नालायक बेटा होगा तो घर कैसे चलेगा। प्रियांक ने कहा कि खुद को बंजारा का बेटा कहने वाले पीएम ने उनके लिए ही आरक्षण में परेशानी खड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया, वो आप एक बार फिर से सुनिए। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? मत ना ओरीगिवरी अंतल यारदे मग नालायक मने नडसलिकागल। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान ऐसी मची है कि नेता शब्दों की मर्यादा ही भूलने लगे हैं। प्रियांक खड़के ने जहां पीएम मोदी के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वहीं इनके पिता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के ने भी कुछ दिन पहले पीएम मोदी के लिए एक जनसभा में जहरीले सांप से तुलना कर दी थी। मत तब तिलकोंड्री मोदी अंद्रे विषद हावितंगे विषय नोड़ स्वल्प नेक् नोड़ नेक्री नेक्र सत् इला विषय अदानो मोदी को मनुष्यना प्रधानमंत्री ना स्वल्प नोड़ नेक् नोड़ अंत आ विषयव नेक् नोड़े मलगे बिड़ती। हालांकि अपने ऐसे बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़के ने सफाई भी दी थी, लेकिन पिता और पुत्र की ओर से देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से ये विवादों में घिर गए हैं। प्रियांक खड़के ने अपने ऐसे विवादित बयान के बाद पीएम मोदी को लेकर एक और टिप्पणी की है। अपनी उस टिप्पणी में उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से हर कोई आपके विचारों से सहमत नहीं होगा, आलोचना होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोते हुए जनता के पास जाते हैं। दुर्भाग्य से पीएम हर बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़के के बेटे पर बीजेपी नेताओं ने गहरी नाराजगी जताई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, पिता मल्लिकार्जुन खड़के पीएम मोदी को जहरीला सांप कहते हैं। प्रियांक खड़के ने पीएम को नालायक बेटा कहा, अब वे भी सीनियर खड़के जी की तरह पीछे हट सकते हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने 91वीं बार पीएम को उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके ओबीसी समाज, उनकी चाय वाली पृष्ठभूमि को निशाना बनाते हुए गाली दी और ये भी कहा कि मोदी की खबर खुदेगी। शहजाद पूनावाला ने कहा, स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पास उपलब्धियों या मुद्दों की कोई सूची नहीं है, केवल गालियों की सूची है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, गाली की दुकान है। यह संयोग नहीं बल्कि उनका उद्योग है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।